प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार, आई एम एजुकेटर एंड को फाउंडर ऑफ ऑयंस। तो आज के करंट अफेयर के इशू में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम लोग इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि करंट अफेयर का कोई भी इस समय करंट अफेयर का जो भी टॉपिक्स है, जो भी चीज़ न्यूज में है, उस न्यूज से रिलेटेड यदि पहले कोई क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो उस क्वेश्चंस को ही हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी न्यूज होते हैं जो करंट अफेयर में होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि उस न्यूज से भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो उस चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एनी हाउ, सो ऑयंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक काम आप ज़रूर कर दें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट, ओके। एंड प्लीज़ कमेंट योर सजेशंस सो दैट वी कैन इम्प्रूव मोर एंड मोर, ओके। सो लेट्स बिगेन, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल ये गलत है। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में नहीं पेश किया जा सकता, बल्कि यह केवल और केवल लोकसभा, या यह केवल और केवल किसमें पेश किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया ऐसा पेश किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि संसद सॉरी इस प्रस्ताव को सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सदस्य पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि सपोज करो, फॉर एग्जांपल, आप मान लो अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी है, तो यदि इसके जो भी सदस्य इसके जो मंत्रिमंडल में है वो सरकारी हो गए, गवर्नमेंट ऑफ हो गए, तो अब ये जरा सोचिए कि गवर्नमेंट यदि हमारे हमारे ही सदस्य, यानी कि बीजेपी के ही सदस्य कैसे अविश्वास प्रस्ताव घोषित कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये गलत हो गया। इसमें क्या हो गया, केवल कौन प्रस्तुत कर सकता है अविश्वास प्रस्ताव, गैर सरकारी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं संसद के लोकसभा में, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 50 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं। तो इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 100%, ये बिल्कुल सही है, इस प्रस्ताव को प्रस्तावित होने के लिए कुल 50 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 गलत हो गया, तो कौन सही हो गया, केवल 3। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, केवल 3 इसका सही जवाब है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और इसे केवल गैर सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। इसको देखिए, तीनों जानकारी याद रखिए, इस प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, और नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर देगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इसे यूपीपी सॉरी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ल्यूकीमिया से प्रभावित व्यक्ति के रक्त में आरबीसी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ल्यूकीमिया से प्रभावित व्यक्ति में आरबीसी की मात्रा बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, बल्कि उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स, जो कार्पसल्स होते हैं, ये पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से डेवलप्ड नहीं होते हैं, और इसीलिए ये हमारे ब्लड में नुकसान करना शुरू कर देते हैं, ये अनडेवलप्ड होते हैं। यही रीजन है कि ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर का नाम भी दिया जाता है, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें आरबीसी नहीं बल्कि कौन डेवलप करता है, डब्ल्यूबीसी बहुत तेजी से डेवलप करते हैं। तो और नेक्स्ट है, प्रभावित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कम हो जाती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, प्रभावित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि जो WBC की मात्रा बढ़ती है वो डेवलप्ड नहीं रहते हैं, बल्कि अनडेवलप्ड रहते हैं, अननेचुरल रहते हैं।
तो इसकी वजह से हमारा जो है कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो है यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि इसका सही जवाब हो गया केवल 2, यानी कि बी इसका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पर जरा ल्यूकीमिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग जनरल जानकारी रख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये आप डायग्राम में जो देख रहे हैं ये है नॉर्मल नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो लगभग देखो हमारे ब्लड में मुख्य रूप से तीन प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, जो हीमोग्लोबिन, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन, जो मैक्सिमम फूड न्यूट्रिशंस जो है कि कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे एक बॉडी हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। और दूसरा है WBC। दूसरा क्या है? WBC, है ना, RBC और WBC। हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC है। ये लगभग 20,000 से 30,000 ट्रिलियन, है ना, ट्रिलियन ये हमारे हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं। नियर अबाउट 45% या ये मान लो आपकी 50%, लगभग आधा हमारे ब्लड में आरबीसी ही होता है। ओके, और सेकेंड पर रहता है WBC, है ना, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं और RBC को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC की मात्रा हमारे शरीर में 4,000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है, 4,000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है। तो ये देखिए नॉर्मल जब व्यक्ति होता है, जब नॉर्मल व्यक्ति होता है तो उसके आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए जरा कि जब नॉर्मल व्यक्ति होता है तो उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें देखिए यहाँ पे जो ये सब रेड लाल वाले जो दिख रहे हैं ये सब रेड आरबीसी हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ इसमें होती हैं। देखिए इसमें कितनी कम मात्रा है WBC की। लेकिन जब ल्यूकीमिया से प्रभावित व्यक्ति हो जाता है तब इसके ब्लड में आप देखिए WBC की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखो आप स्वस्थ हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी WBC नहीं है, ये हेल्दी नहीं है बल्कि अनहेल्दी है, अनडेवलप्ड है, अननेचुरल है। तो ये ल्यूकीमिया से प्रभावित कर जाता है। ओके, तो और तीसरे नंबर पर हमारे ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। और प्लेटलेट्स, चलो अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में किस बीमारी से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। और नॉर्मल प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 150 से 450 हजार तक होता है, पर माइक्रोलीटर होता है नॉर्मल प्लेटलेट्स। ओके, तो इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको कि ल्यूकेमिया से प्रभावित व्यक्ति, अच्छा हाँ एक चीज और, सॉरी, ल्यूकेमिया से प्रभावित व्यक्ति का लक्षण जरूर पूछता है। ओके, तो जो लक्षण जो मेन मुख्य सिम्टम होते हैं, व्यक्ति जो है थकान महसूस करता है, उसको बुखार होता है और इन्फेक्शन की तीव्र हो जाती है, यानी उसे स्वाभाविक सी बात है हमारी जब इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जब हमारी वीक हो जाएगी तो हमें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है और बहुत जल्दी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये जानकारी बिल्कुल याद रखिए कि ल्यूकेमिया को हाई ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अस्त्र, पहला है अस्त्र मिसाइल का निर्माण भारत में रूस के सहयोग से किया गया है। तो यह हवा से, ये देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है, अस्त्र मिसाइल का प्रयोग भारत निर्माण भारत में रूस के सहयोग से नहीं बल्कि अस्त्र मिसाइल पूर्ण रूप से इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेश निर्मित, पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित है। तो वैसे भी इस समय हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें स्वदेश निर्मित हो रही हैं और जिससे ये बहुत अच्छी बात है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा जो R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान, शोध और अनुसंधान, ये हमारे बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छी चीज़ है। एनी हाउ, तो अस्त्र मिसाइल का निर्माण भारत में रूस के सहयोग से नहीं बल्कि भारत में स्वदेश यानी भारत ने खुद इसे बनाया है और इसको बनाने वाली जो संस्था है वो है DRDO
है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो ये DRDO द्वारा बनाया गया है। और दूसरी, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, 100% सही है, 100% सही है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका आंसर क्या सही हो गया, आंसर बी इसका सही हो गया, ओके, आंसर बी सही हो गया। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल है और जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, इसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर है और यह हवा से हवा में मार करता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अभी हाल ही में एक मिसाइल है जो एयर टू एयर और सी टू सी और सी टू एयर और सी टू लैंड और लैंड टू लैंड या लैंड टू सी, यानी कि ये हर जगह मार करने वाली मिसाइल का भी हाल ही में, आई थिंक एक दो दिन पहले ये इसका जो है परीक्षण हुआ है। यदि आपको नहीं मालूम तो मेरे फेसबुक आईडी पे जरूर, फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ से आप उसको देखेंगे, मैंने वो पोस्ट किया है। यानी हाँ, यदि पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, और नहीं तो आप फेसबुक पे मेरे जाके वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हो कि कौन सी मिसाइल। मैं वहाँ पे हमेशा करंट अफेयर के बहुत न्यूज पोस्ट करते रहता हूँ, एकदम लेटेस्ट जो चल रहे होते हैं। स्पेशली मैं उस करंट अफेयर को जरूर पोस्ट करता हूँ जिससे क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या तो क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चन जरूर पोस्ट करता हूं उसमें। एनी हाउ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहते हैं, है ना, एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह सौर मंडल में मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच उपस्थित है, बिल्कुल सही है। यह बर्फीले तथा चट्टानी खगोली पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, एक और दो दोनों, है ना, इसका स्टेटमेंट एक और दो दोनों सही है। ये देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीज़ें NCERT से लूँ, तो मैंने यह एक NCERT के क्लास 6 का है, मैंने इसको डायग्राम को लिया है, थोड़ा सा इसको देखिए ज़रा, ये जो वाइट कलर में लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है, ये देखिए यही है एस्टेरॉयड बेल्ट, हटा एस्टेरॉयड बेल्ट, और जो किसके बीच में है, मार्स, ये देखिए मार्स है और ये कौन है, जुपिटर। और ये जो 700 जैसे ये जो डेटा लिखा है ना, जैसे 228 778, तो ये डेटा जो है ये अर्थ से डिस्टेंस है, ये देखिए अर्थ से डिस्टेंस है कि सन से, ये सन से डिस्टेंस है ना, तो इसको देख लीजिएगा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्टेंस के अनुसार ग्रहों को, सूर्य से डिस्टेंस के अनुसार यानी दूरी के अनुसार ग्रहों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक। और देखिए यहाँ यहीं पे ये अर्थ है हमारा, तो पहला जो ग्रह है जो सूर्य के सबसे समीप है वो है मरकरी यानी बुध, उसके बाद वेनस यानी कि शुक्र है, और जो उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी जो 150 मिलियन किलोमीटर यानी 1 मिलियन किलोमीटर में हमारे सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ 1 मिलियन किलोमीटर में 10 लाख किलोमीटर होता है, है ना, 10 लाख किलोमीटर होता है 1 मिलियन में। तो जो अर्थ की सूर्य से जो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, उसी को एक खगोलीय इकाई भी कहते हैं, एक खगोलीय इकाई, या 150 मिलियन किलोमीटर को हम 15 करोड़ किलोमीटर कहेंगे, तो एक खगोलीय इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर एक खगोलीय इकाई के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये सारे ग्रहों को देख लीजिएगा, और इसकी थोड़ा वीडियो पॉज करके, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी है, बेसिक सॉरी मैंने नहीं दी है, NCERT ने दी है। ये देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है मरकरी के बारे में, वेनस के बारे में, अर्थ के बारे में, मार्स के बारे में, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस यानी कि जो है कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण, यहाँ के ये मेन जानकारी है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा जानकारी इसको देख लीजिएगा, और यदि कहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र
यानी कि सोलर प्लांट किस बांध पर बनाया गया है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस बांध पर बनाया गया है। ओके, तो ऑप्शन है ए बाणासुर सागर बांध, और दूसरा है सरदार सरोवर बांध, और तीसरा है हीराकुंड बांध, और चौथा कौन है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, तो अच्छा चलो दोस्तों एक चीज़ देखना आप, खैर इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बाणासुर सागर बांध। बाणासुर सागर बांध बाणासुर सागर में है, जो कि है केरला में, है ना, जो कि कहाँ पर है केरला में है, केरल में। तो बाणासुर सागर बांध कहाँ पर है, केरला में है। तो अच्छा मुझे आप ये तीनों कमेंट सेक्शन में करना कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है या किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है किस राज्य में है, और नागार्जुन सागर बांध किस नदी और किस राज्य में है। ठीक है, तो इसको देखना, चलिए जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि आखिर ये बाणासुर सागर बांध कहाँ पर है। तो जरा इसको इस मैप में देखिए, आप मैप में देखिए, ये जो रेड कलर का है यही है बाणासुर सागर बांध, और ये केरला केरला जो है राज्य में है, और यहाँ पे जो वायनाड जिला है, केरला का वायनाड जिला है, उसी जिले में बाणासुर सागर बांध देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है यहीं पर शुरू किया गया है। देखिए दोस्तों, अभी सोलर पावर प्लांट से अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलर पावर प्लांट से तीन चार न्यूज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज हैं, है ना। तो सबसे पहले न्यूज जो है सोलर पावर प्लांट से वो है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कर्नाटक जिले में उद्घाटन हुआ है इसका, कर्नाटक राज्य में, और उसका नाम है शक्ति स्थल। उसका नाम क्या है, शक्ति स्थल, है ना, शक्ति स्थल। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, जरूर पूछ सकता है। और दूसरा एक और न्यूज है, दमन दीव हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका दीव वाला जो इलाका है, दीव आइलैंड है, गुजरात की जो खंभात, गुजरात के पास जो खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, और जो जैसे ये देखिए, ये मैं मैप बना रहा हूँ इस पर ऐसे करके, ये ऐसे गुजरात है ना, फिर ऐसे चला आता है, तो ये देखिए यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, और यहीं पर है दीव। तो दीव 100% पहला ऐसा केंद्र शासित और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बना है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। दीव 100% सौर ऊर्जा संचालित है, ठीक है। और अगली न्यूज यूपी के मिर्जापुर में है, यूपी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यूपी के मिर्जापुर जिले में शुरू किया गया है ना। तो ये तीनों न्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये वायनाड वाला भी इम्पॉर्टेंट है, वायनाड जिला केरला का, जिसमें बाणासुर सागर बांध जो है कि उस पर सबसे बड़ा जो है कि देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट आरंभ किया गया है, सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है मेगा वार गेम्स एक्सरसाइज यानी मेगा वार खेल युद्धाभ्यास निम्न में से किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और नेपाल, सी भारत और फ्रांस, और डी है भारत और रूस। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जितने भी युद्धाभ्यास हैं स्पेशली भारत के साथ, तो उन युद्धाभ्यासों से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत यदि कोई युद्धाभ्यास वर्तमान में चला है, यदि कोई स्पेशल न्यूज उसके बारे में है, तो उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। एनी हाउ मैं अभी इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर है भारत और रूस, है ना। तो यह एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच प्रारंभ की गई है, आयोजित हुआ है, और इसमें पहली बार दोनों देशों की तीनों सेनाएं कौन कौन सी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना सम्मिलित हुए हैं। यदि आप पिछला मेरा वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि एक ऐसा और हमारे भारत में एक मैंने युद्धाभ्यास के बारे में बताया था, जिसका नाम है युद्धाभ्यास के बारे में मैंने जो बताया था, पश्चिम लहर एक युद्धाभ्यास है जिसमें भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं हर साल,
कौन कौन, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स। लेकिन इसकी खास बात ये है इस बार कि इसमें इस बार ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल हुआ है। और ये देखिए, अब न्यूज़ कैसे देखे बन रही है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड शामिल हो गया इसलिए पश्चिम लहर इंपॉर्टेंट हो गई। पश्चिम लहर एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, तो पश्चिम लहर एक्सरसाइज, जैसे देखिए ये इंडिया का पेनिनसुला प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा है, और यहाँ पर है श्रीलंका, और ये देखिए यहीं पर है लक्षद्वीप, और इस सागर को यहाँ पर ये इस तट को, केरला वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये मालाबार तट और यहाँ पर जो सागर है उसे, इस सागर को जस्ट होल्ड ऑन गाइस, हाँ, तो इस सागर को, ओके, इस सागर को बोलते हैं लक्षद्वीप सागर, है ना। इस सागर को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर, ठीक। तो जस्ट होल्ड ऑन, तो इस सागर को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर, है ना। यहाँ पर ये जो है, ये वाला सागर, यानी मालाबार और लक्षद्वीप के बीच में, तो पश्चिम लहर एक्सरसाइज इसी में होती है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक न्यूज़ क्या हो गई कि ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एक शिप है, नाम है उसका आई इंडियन कोस्ट सी कोस्ट गार्ड गार्ड एस शिप, नाम है उसका वज्र। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, क्या नाम है? वज्र। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र को ICG के बेड़े से डीकमीशन्ड कर दिया गया है, उसको बेड़े से बाहर कर दिया गया है, तो ये न्यूज बनती है। अच्छा, अभी देखिए, एक एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी यानी जो है कि इंडियन नेवी की एक शिप आई एन एस गंगा को भी जो है 30 सालों तक लगातार ये INS यानी कि इंडियन नेवल शिप जो है INS यानी जल सेना की सेवा कर रही थी भारत की, और इसको भी क्या कर दिया गया है? डीकमीशन्ड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये न्यूज, ये हमारे जैसे न्यूज बनती है ना, अब ये सब चीजें चली, इसे न्यूज 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अच्छा, अगला देखते हैं, एक और एक्सरसाइज है जो आप जो है कि उसको जारी मिला, हमको कमेंट करिएगा। एक्सरसाइज मिलन, कौन साइज है? मिलन, मिलन एक्सरसाइज है। अब आप हमको कमेंट करिए कि मिलन एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है और अभी ये कहाँ हो रही है, ठीक। मिलन एक्सरसाइज जरूर हमें कमेंट करिए कि मिलन एक्सरसाइज किन के बीच हो रही है, किन किन देशों के बीच हो रही है, ठीक है, तो इसको जरूर कमेंट करिएगा। तो अच्छा देखिए, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बस नोट कर लेना, जो है कि इसको सुन के नोट कर लीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे अजय वॉरियर है, इंडिया और यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, हैंड इन हैंड है, इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन से संबंधित है। इंदिरा, इंदिरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंदिरा जो है इंडिया और रसिया के बीच हुई है ना, इंदिरा इंडिया और रसिया के बीच हुई है। और कोंकण हुई है इंडिया इंडियन नेवी और ब्रिटिश नेवी के बीच। और मैत्री, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच। और उसके बाद मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, वो इंडिया जापान और US, मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इंडिया जापान और US के बीच होती है। और अभी मित्र जो, देखिए मैत्री किसके बीच हुई है? इंडिया और थाईलैंड के बीच है। मित्र शक्ति हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, एक्सरसाइज है, ये सब युद्धाभ्यास है ना। नसीम अल बहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नसीम अल बहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि नसीम अल बहर इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया और ओमान के बीच हुई है, और हाल ही में ओमान के, हमारा एक MOU साइन हुआ है दकम पोर्ट से रिलेटेड। ओमान में एक पोर्ट है, दकम पोर्ट है, उसी से रिलेटेड, अब उसके लिए हम लोग MOU साइन किए हैं ओमान से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, संप्रीति 2017 इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है ना। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच हुआ है। युद्ध अभ्यास इंडिया और US के बीच हुआ है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में, प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों
का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? तो पहला जो विकल्प है वो है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। और दूसरा है स्वर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार। अच्छा, तीसरा है महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार। और ऑप्शन डी है महानदी, स्वर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा हल मैप की सहायता से हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी नदी जो है कहाँ कहाँ बहती है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा। तो देखिए, इसमें सारी नदियाँ तो नहीं दिया है, लेकिन जो है मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ पर है। तो इसको देखिएगा ज़रा, है ना। तो आप इसमें ऑप्शन एक बार इसको ऑप्शन इस बार जरूर इसको देख लीजिए। स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, इन सभी जगहों हमको बारे में देखना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मैप है। मैंने बोला था मैं सारा मैप एनसीईआरटी से कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये नदी हमारी, ये नदी देखिए गंगा है, ये नदी गंगा है, ठीक, ऐसे बह रही है। और यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है और एक आती है हुगली नाम से पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद यहीं पर उड़ीसा शुरू होता है। तो उड़ीसा में जो सबसे ऊपर यहाँ पे ऐसे नदी आती है, यही है स्वर्णरेखा, यही है स्वर्णरेखा। और ये देखिए दंडकारण छत्तीसगढ़ से निकलती है, नाम है इसका महानदी, है ना, महानदी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, महानदी। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं तो अच्छे से ये होगा। ये देखिए, ये है महानदी, ठीक, हाँ ये महानदी है। इसके बाद ये देखिए, ये नदी जो है ये गोदावरी है ना। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और इसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियाँ, मुख्य मुख्य सहायक नदियाँ हैं पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ये सब सहायक है, मंजरा, ये सब मुख्य सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद है देखिए कृष्णा, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, है ना, ये है कृष्णा। उसके बाद यहीं पर है पेन्नार, ठीक, यहीं पर है पेन्नार। और सबसे नीचे देखिए ये है कावेरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है, यह है कावेरी। तो ये नदियों का क्रम है सुवर्ण रेखा, कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले सुवर्ण रेखा हो गई, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी, सुवर्ण रेखा, उसके बाद महानदी, उसके बाद महानदी, महानदी के बाद कौन हो जाएगी, गोदावरी, है ना, गोदावरी हो जाएगी। और गोदावरी के बाद कौन है, कृष्णा हो जाएगी, गोदावरी के बाद कृष्णा, और कृष्णा के बाद कौन है, पेन्नार हो जाएगी, अब पेन्नार के बाद कौन है, कावेरी, है ना। तो ये हमारा क्रम होना चाहिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर छ, है ना। फिर से देख लीजिए कौन कौन से है, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। तो अब अपना अपना देखते हैं अपना जो है कि क्वेश्चन का विकल्प। तो हमारे क्वेश्चन का विकल्प है पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं, सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के पठार, और ये छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है ना। तो यहाँ से निकलती है, और इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, इस नदी पर कौन जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है। और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट सिहावा नामक पहाड़ी से होती है, सिहावा नामक पहाड़ी से। और पठार का नाम है दंडकारण्य, देखिए याद रखिएगा, पठार का नाम है दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार से सिहावा नामक पहाड़ी से निकलती है। और ये 828 किलोमीटर लंबी है, और हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक जिले के, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी त्र्यंबक, त्र्यंबक से निकलती है, ये त्र्यंबक से निकलती है गोदावरी नदी, और ये मिस्टेक हो गया, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रह्मगिरी नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे त्र्यंबक होगा, त्र्यंबक, तो टाइपिंग मिस्टेक है, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा के निकट महाबलेश्वर से निकलती है, बिल्कुल सही है, महाबलेश्वर निकलती है। और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है, ठीक है। ये हमारा जो है कि मुख्य जानकारी हो गई दक्षिण भारतीय नदियों के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, निम्न में से
किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन है, सिल्वर आयोडाइड, और स्टेटमेंट टू है पोटेशियम आयोडाइड, और स्टेटमेंट थ्री है कार्बन डाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और स्टेटमेंट चार है द्रवित प्रोपेन, है ना। तो निम्न कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी एक दो और एक दो तीन और चार। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि आखिर ये कृत्रिम वर्षा क्या होती है। एक्चुअली कृत्रिम वर्षा जो टेक्निक है वो थ्री स्टेप में होती है, तीन चरण में होती है ना। तो तीन चरण में होती है, पहला स्टेप, दो स्टेप और तीसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले कुछ रसायनों का इस्तेमाल करके उस इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। ऊपर की तरफ भेजने का मतलब है कि हम लोग वहाँ पर किसी रसायन का इस्तेमाल करके लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब लो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो यहाँ से हवा हल्की होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर जाती है, ठीक, जिससे वे वर्षा के बादल बना सके। मतलब ऊपर जाएंगे तो वर्षा के बादल बनेंगे। और इस प्रक्रिया में जो इस्तेमाल किया जाता है, मुख्य रूप से जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो है कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर, अच्छा इसमें नहीं दिया, कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं, और कैल्शियम यूज करते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, सॉल्ट, और उसके बाद यूरिया हम लोग यूज करते हैं, है ना, ये सब सारे तत्व यूरिया के यूज करते हैं। और यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यौगिक हवा के जलवाष्प को सोख लेते हैं। ये करते क्या है कि मेन जो जो वाटर वेपर होता है एयर में, उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी सोख लेते हैं, और जिससे संघनन की प्रक्रिया यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है, यानी संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब ये फर्स्ट स्टेप में होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। मतलब कि इन सब का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमने अभी बताया आपको, नमक का और यूरिया का, अमोनियम नाइट्रेट का, सूखी बर्फ का, कैल्शियम क्लोराइड का, इसका प्रयोग करके बादल का यानी कि जो बादल है उसमें संघनन की प्रक्रिया इतनी बढ़ जाती है कि इसका जो मास है वो क्या होता है, इसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा संघनित हो जाता है, तो इसका मास जो है बढ़ जाता है, जब मास बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करना शुरू कर देता है, है ना। और दूसराकर्षण जब काम करेगा तो ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक स्टेप और करते हैं, तीसरा स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि चाहे तो एरोप्लेन की मदद से, मैक्सिमम एरोप्लेन की मदद से ही किया जाता है, एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की मदद से ही किया जाता है, है ना। एरोप्लेन की मदद से हम क्या करते हैं कि इसमें सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायन, सिल्वर आयोडाइड हमेशा याद रखिए, देखो पहला ऑप्शन यही है, सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको वहाँ पर छिड़काव किया जाता है बादलों पर। ये जो बादल है ना, इस पर छिड़काव किया जाता है तीसरे चरण में। तो छिड़काव जब किया जाता है, और जो वहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम लोग उसको ब्लास्टिंग करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, तो इस तकनीकी को वास्तव में 1945 में डेवलप किया गया था, और आज के समय में ये मोर देन 40-50 कंट्रीज इसका यूज कर रहे हैं। और अमेरिका में तो एक टन वर्ष का पानी बनाने में 1.3 सेंट का खर्च आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 0.3 सेंट का खर्च आता है, काफ़ी सस्ता हो गया। एनी हाउ, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी, देखिए कृत्रिम वर्षा की एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है ये श्योर नहीं है, क्योंकि सम साइंटिस्ट सेज, कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा कहते हैं कि ये हमारे लिए वरदान है, बट कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे लिए वरदान नहीं, इसका अधिक प्रयोग हमारे लिए अभिशाप साबित हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली ये होता क्या कि जो रसायन जो हम लोग ये केमिकल्स यूज कर रहे हैं, ये केमिकल्स हमारे मिट्टी के लिए यानी कि सॉयल के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे सॉयल की जो फर्टिलिटी है उसको ये घटा देते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो है कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ लोग मानते हैं सही है, कुछ लोग मानते हैं गलत है। एनी हाउ, तो इसका ऑप्शन चारों का चारों सही हो गया ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी, ठीक।
तो इस यहाँ देखिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, मैंने लिख दिया है, इसको आप जो है कि पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि क्वेश्चन आएगा कृत्रिम वर्षा से तो इसी इसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं क्या है। पहला है, अधिकांश मैग्मा द्रव और एवं ठोस का मिश्रण है। अधिकांश मैग्मा द्रव एवं ठोस का मिश्रण है, ओके। चलो आगे देखते हैं, सही है बात है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा है कि जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली हुई गैसें हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में घुली हुई गैसें हैं, बिल्कुल ये भी सही है। जलवाष्प ज्यादा निकलता है और ऐस राख निकलती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, परतदार चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में जमे हुए मैग्मा को डाइक कहते हैं। नहीं, ये गलत है। मैग्मा को डाइक नहीं कहते हैं बल्कि उसे सील कहते हैं, इसे सील कहते हैं, है ना, ये गलत है। तो स्टेटमेंट तीसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका एक और दो यानी कि ऑप्शन बी सही हो गया। तो इसके बारे में देख लीजिए, परतदार चट्टान के बीच क्षैतिज स्थिति में जमे हुए मैग्मा को सील कहते हैं और इसका ऑप्शन बी सही। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों जान लेते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, आपको साफ साफ दिख रहा होगा और इसको वीडियो पॉज करके जरूर देख लें। देखिए इसको थोड़ा सा बस बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, यदि पृथ्वी को हम इसका एक स्लाइस यदि काट के बाहर निकाल लें तो हम देखेंगे पृथ्वी के अंदर कुछ परतें हैं, कुछ लेयर्स हैं, है ना। तो सबसे ऊपर वाली परत को हम भूपरपटी कहते हैं यानी कि क्रस्ट कहते हैं, और उसके नीचे वाली लेयर को हम लोग मैंटल कहते हैं, ठीक है, मैंटल कहते हैं। और सबसे नीचे वाली क्रस्ट, सबसे नीचे वाली लेयर को हम लोग क्रोड कहते हैं। क्रोड को दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। इसी प्रकार मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग लगभग जो है कि लगभग आप मान लो कि लगभग परपटी और मेंटल को लेके 200 किलोमीटर नीचे तक के भाग को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं यानी स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। और मेंटल में जो रॉक्स हैं वो मतलब पिघले हुए हैं यानी कि जो है कि यू कैन से दैट सेमी सॉलिड और लिक्विड के रूप में है ना लिक्विड के रूप में है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये कभी कभी जो हमारी ये भूपरपटी है वो हर जगह एक समान नहीं है, जो हमारा स्थल मंडल है एक समान नहीं, कहीं पे इसकी मोटाई कम है, कहीं पे इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। तो इस मेंटल में ये जरा दूसरा वाला डायग्राम देखिए, तो ये वाला डायग्राम, तो इस मेंटल में देखिए, ये मेंटल है ना, इस मेंटल में कहीं कहीं पे वो जो मैग्मा है जो जिसमें जो रॉक लिक्विड के रूप में होता है उसे मैग्मा कहते हैं ना अंदर। तो मैग्मा जो है वो कहीं कहीं पे इकट्ठा रहता है, तो उसको हम लोग मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे मैग्मा इकट्ठा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। अब इस मैग्मा चैम्बर से यदि ये पतली मिल जाए, इसको परत मिल जाती है, तो चूंकि नीचे हाई प्रेशर तो होता ही है, तो हाई प्रेशर से ये ऊपर की ओर बहुत तेजी से निकलते हैं, ठीक। तो जब हाई प्रेशर से ये ऊपर की ओर बहुत तेजी से निकलते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए ये इसी से, और इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वेंट या निकास बोलते हैं। तो ये निकास नली से होते हुए ऊपर, ये जहाँ पे इसका मुख होता है, जहाँ से सारे लावा बाहर निकलते हैं, उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी आने वाला होता है तो उससे पहले रेडॉन गैस निकलती है ना, उससे पहले रेडॉन गैस निकलती है, ठीक। तो इसको क्रेटर बोलते हैं। अब इस क्रेटर से देखिए यहाँ पर गैस व राख निकलती है, ठीक। तो यही ज्वालामुखी है ना, ये ज्वाला, इसी हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और ये देखिए, आप जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो मैग्मा है वो अंदर से निकल के बाहर की तरफ आता है, और यही मैग्मा ठोस होके बाहर जब आके ठोस हो जाता है तो अग्नेय चट्टान बनाता है। तो जो तीसरा वाला आप देखेंगे, तीसरे वाली इमेज देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, तो ये मैग्मा क्या बनाता है, ये अग्नेय चट्टान बनाता है। और ये अग्नेय चट्टान अपरदन की क्रिया होने के कारण ये बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, तो बना देते हैं अवसादी चट्टान। क्या बना देते हैं? अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान बना देते हैं, अवसादी सेल बना देते हैं, ठीक है। अग्नेय सेल से क्या बन जाता है? अवसादी सेल। अच्छा, अब ये अवसादी सेल और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में जब पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं या बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर में जब इसको लाते हैं तो ये अपने काया बदल देते हैं, तो इसे हम लोग कायांत्रित चट्टान या कायांत्रित सेल कहते हैं। और यदि यही कायांत्रित चट्टान पर और प्रेशर और टेम्परेचर यदि बढ़े तो ये पृथ्वी के मेंटल की तरफ पहुंच जाते हैं और इसे फिर ये किस में बदल जाते हैं? मैग्मा में फिर से बदल जाते हैं, ठीक है। मैग्मा में फिर से ये बदल जाते हैं।
तो ये देखिए मैग्मा, तो इस प्रकार से हमारे चट्टान का चट्टानों का चक्रण भी होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको कि हमारे भारत में हमको 3 बिल्डिंग का नाम बताइए, जो एक बिल्डिंग अग्नेय चट्टान से बनी हो, दूसरी बिल्डिंग उसका नाम बताइए जो अवसादी चट्टान से बनी हो, या तीसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग हमको बताइए जो कायांत्रित चट्टान से बनी है। तो हमको 3 बिल्डिंग का हमको नाम बताइए जो इन चट्टानों से बनी हुई है। मैं 3 बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा चलिए, पहला है इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। दूसरा है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। ओके, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। ओके, भारत के नियंत्रक, ओके बिल्कुल सही। तो इसका जो है स्टेटमेंट केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और 1, 2 और 3। तो दोस्तों एक चीज जरा, लोक लेखा समिति यानी कि हमारी एक संसद की समिति है, संसद की समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। और मुख्य रूप से जो संसद की हमारे समितियां हैं वो जैसे विभागीय या स्थायी समितियां, जिसको हम लोग परमानेंट कमेटी बोलते हैं, स्थायी समितियां हैं, और उसके बाद हैं वित्तीय समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं, है ना। तो इस प्रकार कई सारे सार्वजनिक उद्यम समिति है, कई सारी समितियां हैं ना, प्रकलन समिति है, उसी में से एक है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, और ये पहली बार 1921 में हुआ, और तब से यह अस्तित्व में है, ठीक। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 22 सदस्य हैं, और इसमें 15 लोकसभा से हैं, 15 लोकसभा से हैं, और 7 किससे हैं, राज्यसभा से। यानी कि ये हमारा पहला चरण क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, तो इसके बारे में और जान लीजिए, 15 लोकसभा से हैं, और प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, है ना। इस प्रकार सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ ये पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, तो इसको आप यहाँ से इसको वीडियो पॉज करके जरूर जो है कि पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है, और समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। और 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का ही नेता चुना जाता है, और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये इसकी जानकारी हो गई। तो दोस्तों इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़िएगा, उसको जरूर इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक। तो इसका आंसर डी, यानी कि अभी देखिए इसमें चारों के चारों मिल गए, तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तीनों के तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों हमेशा की तरह चलते हैं आज, अब जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अब हम लोग अपने करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो स्टार्ट हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री से किया था, मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग शुरू किए थे डिस्कस करने के लिए। तो अब शुरू करते हैं पहला, तो पहला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि, फिर से सुन लीजिए, 1939 में 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि, पहला ऑप्शन है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, दूसरा है कांग्रेस में मुस्लिम लीग के विरोध करने से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, और सी है उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, और डी उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है।
तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा यदि आपको मालूम है तो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसको कल डिस्कस किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, पहला ऑप्शन है युद्ध प्रयासों का को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन का दमन और ऑप्शन डी है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखिएगा, इसका आंसर आप दिए आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और आई होप आपने जो है कि इसको आपसे कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है यार कि इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।